हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कुछ नए टर्म जो हमारे बेसिक भी हैं और बेसिक से थोड़े आगे भी चल रहे हैं हम। जैसे कि हमने अभी तक के जो भी वीडियोस बनाए उसमें बहुत सी बेसिक सी टर्म्स हैं और वो क्लियर होना इतना इम्पोर्टेंट था ना, उसके सिवा आपको आगे समझ में ही नहीं आता। ठीक है, ये जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा ना ये थोड़ा हिलता है, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एक मोबाइल हाथ में पकड़ती हूँ और एक हाथ से मैं अपनी पेंसिल से जो भी समझाना रहता है करती हूँ, तो थोड़ा हिल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो हिलता है, तो आई होप आप इसको इग्नोर करेंगे। और इसके बाद है ना, हम आगे चलने वाले हैं और आगे बहुत अच्छी सी कंसेप्ट सीखने हैं, वो है कंसेप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, और बाकी मतलब अब पता चलना चाहिए ना कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन अंदर से कहीं से कैसे भी आ सकता है। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, तो हमको वो टर्म पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए। तो और अगर हमें कोई भी टर्म है ना जो पूरी डिटेल में पता रहती है, तो हम है ना इंटरलिंक करके भी आंसर देते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बुक में है सेम पूरे तो वैसे आते नहीं है। और लास्ट ईयर का पेपर पूरा कंसेप्चुअली था, तो बहुत अच्छा पेपर था। जिसने भी है ना बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, या उसने है ना मतलब है ना पढ़ा भी होगा ना ऊपर ऊपर की, ऐसा होता है, वो उसका पेपर तो बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने भी दिया था तो बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, तो इसके बाद है ना हम अब आगे की सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कार्विंग मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द काल्फ। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्विंग। अगर यहाँ पे रहता कि एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू न्यू यंग वन, तो क्या रहता आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं बता देती हूँ, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन क्या रहता है, या एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन मतलब रहता है कि पार्चुरेशन। ठीक है, और जबकि यहाँ पे एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू काफ दिया है, मतलब ये हो गया है कार्विंग। ये किसके लिए लागू होता है, ये काऊ के लिए और बफेलो के लिए लागू होता है। अगर वैसे ही हम सेम पिग में बोले तो इसको क्या बोले, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू पिग का क्या होता है, पिगलेट होता है। जैसे काफ बोलते हैं इसमें बच्चों को, वैसे उसमें है ना पिगलेट बोलते हैं बेबी को, पिगलेट बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द पिगलेट इज कॉल्ड एज फरोविंग। जैसे इसमें कार्विंग बोलते हैं बर्थ देने की प्रोसेस को, वैसे ही उसमें है ना फरोविंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे गोट में भी अलग है, शिप में भी अलग है, वैसे आपको ना लर्न करनी पड़ेगी कि यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं और इसके बाद इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ से थोड़ा इंटरलिंक किया है कि अच्छे से हमने डैम सिलेक्ट की, इसको बोलते हैं इनकी प्रोसेस जो होती है, इसको मेटिंग को बोलते हैं सर्विस। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, हाँ सर्विस। और जो जो बेबी को बर्थ देते हैं वो काफ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्विंग, मतलब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू काफ इज नोन एज कार्विंग। अभी है ना हमको बहुत एक है ना बहुत बड़ा मैं कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, जिनको भी होता है, मेरे को भी होता था, तो बहुत सारे होंगे जो जिनको होता है, जिनको नहीं होता है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, इसमें है ना एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू काफ मतलब है ना अभी क्या हमको क्या पता, जैसे है ना काऊ में रिप्रोडक्टिव उसके मतलब जो ये रहता है उसका प्रोडक्शन देने का, या बेबीज जो भी होते हैं उसको, वो 5-7 साल में होते हैं। ठीक है, 5-7 साल का उसका जो है ना प्रोडक्टिव पीरियड रहता है, रिप्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव पीरियड उसका है ना 5-7 साल रहता है। तो हमको उसमें उससे है ना ज्यादा से ज्यादा मतलब हमें क्या कि ज्यादा से ज्यादा उसको बेबी हो, ये हमारा ये रहता है। ठीक है, इसके बाद है ना ये ज्यादा ही ब्लर हो रहा है, हाँ इसके बाद क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि उसके मतलब कब उसको कैसे मतलब उसकी सर्विस करवानी है। ठीक है, उसको कितना आराम देना है, उसको उसके लिए वो कितना जरूरी है, ये सब हम चीजें आगे सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू काफ ये हो गया कार्विंग। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि इसके पहले फर्स्ट बेबी को बर्थ देने के पहले काउ को क्या बोलते हैं, हम हाइफर बोलते हैं, और उसने फर्स्ट बेबी को बर्थ दिया तो उसके बाद उसको हम काउ बोलने लगते हैं। ठीक है, अब देखो कार्विंग हो गई, उसके बाद है ना उसको है ना 60-90 डेज का आराम दिया जाता है। जैसे कैटल में मतलब काऊ में 60-90 डेज का आराम दिया जाता है, और बफेलो में है ना 120 डेज का आराम दिया जाता है, मतलब उसके लिए वो रेस्ट टाइम होता है।
तो मतलब उस दौरान उसके कोई भी दूसरी सर्विस या मीटिंग नहीं करवाते, ठीक है। तो ये बफेलो में नियर अबाउट 4 मंथ का होता है, और इसमें है ना 2 या 3 मंथ का होता है। किसमें? काऊ में 2 या 3 मंथ का होता है। अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ना जो आराम देने को पीरियड, एक बार बर्थ हो गया बेबी का उसके बाद उसको आराम दिया जाता है। काऊ में 60 से 90 दिन का रहता है, मतलब 2 से 3 मंथ का, ठीक है। बफेलो में 120 डेज का, मतलब 4 मंथ का। इसको बोलते हैं हम सर्विस पीरियड। तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर्विस पीरियड और सर्विस में क्या फर्क है। हमको तो दोनों एक जैसे लगते हैं, बट एक्ट ऑफ मेटिंग ऑफ सायर एंड डैम को सर्विस बोलते हैं, और काल्विंग के बाद मतलब बच्चे को, बेबी को बर्थ देने के बाद जो पीरियड रहता है, जो काऊ को आराम करने के लिए दिया जाता है, उसमें है ना उसको सर्विस पीरियड बोलते हैं। आई होप आपको ये पीस ऑफ केक हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ना, अभी ये तो समझ में आया, ठीक है आराम दिया, तो कब तक दिया, फिर आगे कब उसके हमने फिर से हम उसका कंसेप्शन करवाएंगे, मतलब डेट ऑफ कंसेप्शन क्या होगी, कब फिर से उसका मेटिंग करवाएंगे या होगी ऐसा, ठीक है। उसके बाद है ना क्या, ये बर्थ हो गया, उसके बाद उसको 60 से 90 दिन का आराम दिया, और बफेलो में 120 डेज का दे दिया। उसके बाद है ना उसकी डेट ऑफ कंसेप्शन, अभी ये है ना पूरा कंसेप्ट है कि डेट ऑफ कंसेप्शन मतलब क्या होता है। कंसेप्शन मतलब होता है कंसीव करना, ठीक है, ये कंसेप्शन मतलब होता है कंसीव करना। तो मैं आपको ये पहले पूरी प्रोसीजर बताती हूँ कि एक्चुअली ये क्या होती है और कैसे होती है, उसके बाद में हम ये आगे का पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से समझेगी। आई होप आपके मतलब हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि सक्सेसफुल मेटिंग अप टू इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट इज कॉल्ड एज द कंसेप्शन, मतलब सक्सेसिव मेटिंग। मेटिंग कितने बार करवाई, मतलब कौन सी सक्सेसिव है, मतलब सक्सेसफुल मतलब उसका है ना जायगोट इम्प्लांटेशन होना चाहिए, तो वो सक्सेसिव मेटिंग मतलब कहलाएंगे, और उसको ही बोलेंगे कि हमने मतलब कंसीव हो गया और कंसेप्शन हो गया है, ठीक है। मतलब फिर भी अभी एक्चुअली आपको पूरा नहीं समझा होगा, तो मैं फिर से समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना ये पूरी ये है ओवरी, ये ओवरी है, और ये पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है काऊ की, मतलब फीमेल की, ठीक है। ये इसमें क्या होता है ना, ये ओवरी है, ये भी ओवरी है, ठीक है, दोनों साइड से ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे इसको है ना एम्फुला बोलते, जो ये पोर्शन है ना ऐसा फूला वोला, इसको है ना एम्फुला बोलते, मैंने लिखना भूल गई, एम्फुला, ठीक है, एम्फुला बोलते, ठीक है। इसके बाद है ना, अगर ये ओवरी है तो इसमें है ना ये यहाँ पे, यहाँ से ओविल रिमूव मतलब यहाँ से आ गया, यहाँ से ओहम आ गया, तो यहाँ से अगर स्पर्म आए तो यहाँ पे है ना, अगर उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब इधर से ऐसे 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 स्पर्म आए और जो है यहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब है ना फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पे इसी इधर ही एम्फुला में ही इधर से ओम आता है, इधर से फॉर्म आता है, और इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम सक्सेसफुल कंसेप्शन। इसके बाद जायगोट है ना यहाँ पे आके, ये जो रीजन है यूटेरस का रीजन है, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, ये यूटेरस का जो रीजन है यहाँ पे, वो जायगोट यहाँ पे पूरा बनेगा, मतलब बड़ा होगा, ठीक है। झाइगोट बोला ना मैंने, हाँ झाइगोट यहाँ पे पूरा बड़ा होगा, तो इसको बोलते सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भी ये वोहम क्या होगा, इधर आके रुकेगा, तो ये अनसक्सेसफुल कंसेप्शन हुआ, ठीक है। अगर फर्टिलाइज, मैं फिर से बताती हूँ, अगर यहाँ से स्पर्म आया और इधर से ओम रिलीज हो गया, इनका है ना एम्फुला रीजन में ही, एम्फुला रीजन में ही उनका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसको बोलेंगे कि झाइगोट इम्प्लांटेशन होने वाला, झाइगोट इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब ये झाइगोट फिर यहाँ पे आके रुकेगा और इसकी यूटेरस में पूरी ग्रोथ होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो ओवरी है ना, वन टाइम ओम इधर से रिलीज होता है, नेक्स्ट टाइम ओम इधर से रिलीज होता है, ठीक है। ये पूरा कंसेप्शन का प्रोसीजर है, और उसके बाद है ना झाइगोट, अभी झाइगोट बताती हूँ कि आगे आगे मतलब कैसे, झाइगोट कब तक बोलते हैं, झाइगोट किसको बोलते हैं, झाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड ओम होता है, ठीक है। यहाँ इधर से स्पर्म आया, इधर से ओम आया, ये क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, इनका क्या बना, झाइगोट बना। तो झाइगोट कब तक रहता है, 2 मंथ का, नियर अबाउट 2 मंथ तक झाइगोट रहता है, 2 या 3 मंथ तक झाइगोट रहता है। उसके बाद उसको ना एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियो किसको बोलेंगे, जिसमें है ना 3 लेयर्स होती है, 3 डर्मा होती है, मतलब इक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, और इंडोडर्म होती है। जो भी हमारा झाइगोट रहेगा उसको ऐसी 3 लेयर आएगी, ठीक है। उसमें है ना ये इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ऐसी है 3 लेयर। उसके बाद उसके बाद फिटस बोलेंगे, फिटस का आफ्टर 4 से 5 या 5 से 6 महीने के बाद उसको फिटस बोलेंगे। और फिटस पहचानने के लिए कैसे, मतलब फिटस में ना ऑर्गेनोजेनेसिस चालू हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब हाथ पैर फूटने चालू होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद एक
आफ्टर 4 to 5 या 5 to 6 मंथ के बाद फीटस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट्स, इन्फेंट मतलब रिसेंटली बॉर्न बेबी, इसको बोलते हैं इन्फेंट्स। तो इसके बाद ये हो गई पूरी प्रोसेस, और इसके बाद है ना, हाँ, डेट ऑफ कंसेप्शन हो गया। डेट ऑफ कंसेप्शन के बाद जेस्टेशन पीरियड आया। अभी यहाँ पे कंसीव हो गया या सक्सेसफुल मेटिंग होने के बाद जायगोट फॉर्म हो गया, और जायगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, और इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट हुआ। मतलब क्या हो गया, वो काउ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसका क्या चल रहा है अभी, प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है। मतलब उसमें काउ में क्या बोलते हैं उसको, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अभी जेस्टेशन पीरियड हर इसमें अलग अलग होता है। यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। काउ में 9 मंथ 9 डेज का होता है, बफेलो में 10 मंथ 10 डेज का होता है, पिग में 3 मंथ 3 वीक 3 डेज, और नियर अबाउट 4 मंथ का, कभी कभी 4 मंथ ऐसा भी ऑप्शन रहता है। तो ये आप ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है ना शिप, शिप में 5 मंथ का प्लस माइनस 5 डेज का, मतलब 5 महीने आगे 5 दिन आगे पीछे, 5 मंथ के बाद 5 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। गोट का भी 5 मंथ प्लस माइनस 5 डेज ऐसा आता है। उसके बाद उसकी होती है काल्विंग, और ये फिर से हम क्या करेंगे, काल्विंग हो गए मतलब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू काफ हो गया। उसके बाद फिर से उसको हम सर्विस पीरियड देंगे। सर्विस पीरियड मतलब क्या होता है कि उसको आराम देंगे 60 to 90 डेज का, अगर कैटल हो मतलब काऊ हो, और बफेल हो तो 120 डेज का आराम देंगे। उसके बाद फिर से उसका डेट ऑफ कंसेप्शन, जिस दिन सक्सेसफुल मेटिंग हो गई, सक्सेसफुली उसने कंसीव कर लिया, वो डेट ऑफ कंसेप्शन होगा। उसके बाद फिर से उसका जेस्टेशन पीरियड चालू होगा, और उसके बाद फिर वो बर्थ देगी। तो आई होप आपको पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।